हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिप्स ब्लाउज के लिए, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। यह एक नॉर्मल टिप्स है जो सारे ब्लाउज के लिए काम आएंगे, पर बोटनी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो बस आप सिंपल ब्लाउज के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी थ्री टक्स के ब्लाउज के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है, आपको कितना ब्लाउज चाहिए उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। कपड़े को 4 फोल्ड करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कटिंग और स्टिचिंग भी बताऊंगी, तो बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देख लेना। कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद आपको जितनी लंबाई चाहिए आप ले सकते हैं, और प्लस आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेना है उसके बाद शोल्डर जो भी आता है उसका बस आपको आधा करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 14 शोल्डर हैं, तो हम उसका आधा करेंगे तो 7 इंच आएगा। उसके बाद है चेस्ट का नाप, उसको 4 में भाग देना है, ठीक है। जो भी चेस्ट साइज होता है उसको 4 में भाग देंगे, और प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का भाग प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। अब मैं आपको बताती हूँ आर्म होल के लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने 7 इंच लिया है, तो यहाँ से यहाँ भी आपको 7 इंच लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे है शोल्डर का आधा 7 इंच, तो यहाँ भी आपको 7 इंच लेना है। यहाँ कॉर्नर में यहाँ तक आपको 7 इंच लेना है, फिर आपको चेस्ट के लिए लाइन कर लेनी है। यहाँ एक कॉर्नर बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1 इंच का नाप लेकर के आपको आर्म होल के लिए गोलाई देनी है, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, लंबाई में आपको कोई कम भाग नहीं देना है, बल्कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसा मैंने आपको बोला था यहाँ पर, ठीक है। गले की लंबाई आप अपने अनुसार ले सकते हैं, पर गले की चौड़ाई के लिए आपको चेस्ट का 8वां भाग लेना है। तो लंबाई तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और ये जो चौड़ाई है चेस्ट का 8वां भाग आप लेंगे तो आपको शोल्डर घिरने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में चार्ट के साथ शेयर करेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, तो देखिए। और डॉट के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने चेस्ट का 8वां भाग लेने के बाद एक चौक गोल राउंड दे देना है। आप जिस शेप में बनाना चाहते हैं वो शेप आप इस तरीके से दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद है डॉट के लिए, जिसका शोल्डर 14 इंच है तो डॉट 10 इंच पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शोल्डर है 14 इंच के हैं, तो डॉट यहाँ पे 10 इंच पर लगेगा, ठीक है। अगर शोल्डर 13 इंच होता तो डॉट 9.5 इंच पर लगता, ठीक है। और उस डॉट से 1.5 इंच की दूरी पर 4 डॉट लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक नाप आपको 1.5 इंच लेना है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का नाप लेना है। अगर आप 4 टक्स का बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 टक्स का बताऊंगी, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1.5 इंच लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ ये जो गैप कितना चाहिए वो है चेस्ट का 12वां भाग। आपको यहाँ से यहाँ तक चेस्ट का 12वां भाग आपको लेना है, ठीक है। फिर आपको एक टक्स बनाना है। इस टक्स की जो चौड़ाई जो है वो 1-1 इंच होगी, या 0.5 इंच भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टक्स का है, कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप आधा आधा इंच दोनों साइड, मतलब 1 इंच का आप टक्स बना सकते हैं, और इसे तो 1 इंच भी नहीं, 1.25 इंच का ही आपको ये 2 टक्स बनाने हैं। इस टक्स का जो है उसकी चौड़ाई जो है, ये जो लंबाई है वो है चेस्ट का 8वां भाग, ठीक है। आपको लेना है और ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पीछे का गला अगर बड़ा होता है तो 3.5 इंच पर एक बड़ा सा सल आएगा, जो ये जो पीछे के गले पे जो टक्स आते हैं वो 3.5 इंच पर होंगे, ठीक है। और पीछे भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ मैं आपको सिंपल ब्लाउज की टिप्स जो है शेयर की हैं। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और भी न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।